के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में जंगल राज है। साथ ही पप्पू यादव ने नीतीश कुमार से विनती भी की। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़कर पप्पू यादव से विनती है कि बिहार और देश को बचा लें। पप्पू यादव ने केंद्र की एनडीए सरकार के लिए भी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार नहीं है, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी कैबिनेट में मंत्रियों को मंत्रालय सौंप दिए गए हैं। इसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। आज शिवराज चौहान ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। आपको बता दें कि नए कृषि मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान के समक्ष खाद और कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती खाद्य वस्तुओं की महंगाई को काबू करना होगा। दिल्ली में बढ़ती पानी की किल्लत को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। एक तरफ जहां आप सरकार इसका समाधान निकालने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ वो भाजपा इसे लेकर आप सरकार को घेर रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हरियाणा से दिल्ली को मिल रहे पानी के अधूरे डेटा को लेकर जल मंत्री आतिशी द्वारा हरियाणा सरकार को पत्र लिखने की कड़ी निंदा की। चुनावी गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी शरद पवार के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने आज पार्टी प्रमुख शरद पवार से अपने पोते योगेंद्र पवार को बारामती से चुनाव लड़ाने का अनुरोध किया। ये प्रतिद्वंदी एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विधानसभा क्षेत्र है। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद कांग्रेस अभी से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाना चाहती है। यही कारण है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रत्येक विधानसभा में प्रभारी नियुक्त करने का सुझाव दिया है। इसको लेकर दिल्ली में पार्टी नेताओं की एक अहम बैठक भी हुई है। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। अब कुछ समय बाद 3 राज्यों हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में विधान परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त नाराजगी की बात सामने आ रही है। लोकसभा की तरह विधान परिषद की चारों सीटों पर भी उद्धव ठाकरे गुट ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर कांग्रेस में खासी नाराजगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने विधान परिषद उम्मीदवारों को वापस लेने का संदेश दिया है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने इस बात की जानकारी दी है। उदयपुर से नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत दिल्ली में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर उदयपुर लौटे। यहां उनका बीजेपी के पदाधिकारियों ने स्वागत किया और इसके बाद कार्यकर्ताओं के आभार व्यक्त करने के लिए बैठक रखी गई। बैठक में मन्नालाल रावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात में उदयपुर के लिए रखी पानी की मांग के बारे में बताया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में लोकसभा चुनाव के नतीजे उन्हें और उनकी पार्टी को पंथ विशेषकर किसानों और गरीबों के हित में काम करने से नहीं रोकेंगे। बादल ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जनादेश को पूरी तरह से स्वीकार किया है। चुनावी मौसम शांत होने के बाद भी सियासी पारा हाई चल रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कोई योजना बंद नहीं की जाएगी। लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना में राशि जारी की जा रही है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि 6 महीने में से 3 महीने आचार संहिता में चले गए। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद पटना लौटे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। सोमवार को उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है और कोई किंग मेकर नहीं है। वहीं केंद्र की एनडीए सरकार में नीतीश कुमार के किंग मेकर होने की बात पर बीजेपी नेता सिन्हा ने कहा, एनडीए परिवार पूरी तरह से एकजुट है, कहीं से भी कोई किंग मेकर नहीं है, हर कोई देश के लिए काम कर रहा है।